Hi friends, welcome back. मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल अडपसर पुणे से. मेरे जो रेगुलर प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर्स है, रेगुलर व्यूअर्स है, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जिनका भी डिलीवरी ड्यू है, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ कि डॉक्टर मेरे बच्चे का हेड कब फिक्स हो जाएगा या मेरे बेबी का हेड कब एंगेज हो जाएगा और कब मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है 9th मंथ के एंड में. मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज़ या उनके हस्बैंड हम लोगों को पूछते हैं कि ऑलमोस्ट एक 34 वीक्स यानी 9th मंथ स्टार्ट हुआ कि उन लोगों को टेंशन आता है, अभी कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, हमको कैसे समझ में आएगा, हमारे बेबी का हेड नीचे गया है या नहीं. बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं उन लोगों के मन में, तो वो आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेबी का हेड फिक्स या एंगेज होना मतलब क्या है और वो कब होता है. देखो, एंगेजमेंट या फिक्स ऑलमोस्ट सेम टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है मेडिकल लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझने के लिए आप एंगेजमेंट ही याद रखो. एंगेजमेंट यानी क्या कि आपके बच्चे का हेड, मानो ये बेबी का हेड है और ये मदर का पेल्विस है, तो ये पोजीशन अभी डाउन है 9th मंथ के एंड में. जब ये हेड नीचे जाता है पेल्विस में, बच्चे के हेड जो है मदर के पेल्विस में एंट्री करता है, फिक्स हो जाता है, अंदर घुसता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगेजमेंट. तो वो एक बार पेल्विस में एंट्री करा कि वो मदर को लेबर पेन स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. दूसरा है कि बेबी के हेड का साइज़ और मदर के पेल्विस का साइज़ मैच हो गया, बेबी का हेड नीचे घुस गया पेल्विस में, उसको बोलते हैं हम लोग एंगेजमेंट. तो ये एंगेजमेंट कब होती है और आपको कैसे ध्यान देना है. जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी रहती, उन लोगों में ऑलमोस्ट एक 36 वीक्स के बाद में ये एंगेजमेंट होने के चांसेस रहते हैं. ऑलमोस्ट एक मैक्सिमम 38 वीक्स तक बच्चे का हेड पेल्विस में एंटर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंगेजमेंट. और जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट मदर्स रहते, उनका काफ़ी टाइम वो हेड एंगेज नहीं होता है, जब तक उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते. तो सेकेंड या थर्ड ग्रेविडा जो रहते उनके इसमें ये हेड काफ़ी टाइम ऊपर ही रहता है, फ्लोटिंग हेड बोलते हैं हम लोग, वो पेल्विस में जाता ही नहीं. लेकिन जब उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते, वो प्रेशर की वजह से वो हेड पेल्विस में जाता है. लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको ऑलमोस्ट एक 36, 37, 38 वीक्स के अराउंड ये हेड पेल्विस में एंटर हो जाता है, प्रोवाइडेड बेबी के हेड का साइज़ और पेल्विस का साइज़ मैच हो रहा है, उसके बाद में वो हेड एंटर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंगेजमेंट. और उसके बाद उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, जो 9th मंथ के एंड में मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे डॉक्टर मेरे बेबी का हेड फिक्स हुआ या नहीं, या हेड एंगेज हुआ या नहीं और वो कब होगा, उस वो अगर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो से अगर आपको क्लियर हुआ होगा, तो जो भी आपके प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं जो अभी डिलीवर होने वाले हैं, उनको ये वीडियो देखने को बोलो, उनके साथ शेयर करो. और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो. थैंक यू.